जो है UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड मुद्दा को लेकर जो है आज ये यहाँ पर चर्चा हो रही है समाज के प्रधान क्षेत्र के समाज के अगुवाई के नेतृत्व में, और इसमें जो है हमारे मंत्री पारगुना मंत्री मुंडा डॉक्टर सहर और समाज के जितना भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं सारा लोग मिल के जो है ये कानून कतई में ये आदिवासी के हित में है या अहित में है उस विषय पर ये चर्चा हो रही है। और इसमें जैसे मैं पिछले तरफ पारगुना दसवा था मेरे ख्याल से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो है ये आदिवासी के खिलाफ है, क्योंकि आदिवासी अपना रीति रिवाज अपना दस्तूर अपना संस्कृति अपना कस्टम सिस्टम तो दुनिया से अलग है, तो प्रकृति के साथ वो विचार उनके साथ चलने वाले लोग हैं। और ये भारत के जो केंद्रीय सरकार जो है ये कानून को लाना चाह रहा है, क्योंकि भारत में अगर जमीन बची है खनिज संपदा बची है तो आदिवासी क्षेत्र में, और आदिवासी के लिए ये कानून जो है भारत के कानून जो है इतना सख्त है कि वहाँ पे बिना ग्राम सभा या वहाँ के आदिवासी के साथ बिना परामर्श किए वहाँ पे कोई भी उद्योग या कोई भी खनिज कोई भी खनन नहीं कर सकता। इसीलिए ये कानून जो है उस जमीन पे जो है और खनिज संपदा पे जो है उनका केंद्रित है। अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बनती है तो आदिवासी की जमीन वो खंड खंड पे जो है बिखर जाएंगे। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।